रेसिपी के लिए सामग्री की सूची आप यहाँ देख सकते हैं। तवा पराठा बनाने के लिए आटा लगा लेते हैं। सबसे पहले आटे में नमक मिला लेंगे। अब तेल मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जब तक तेल अच्छी तरह से पूरे आटे में न लग जाए। अब थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर आटा गूंदेंगे। चपाती के आटे से थोड़ा सख्त आटा गूंदना है। आटा लगभग तैयार है। अब थोड़ा और तेल डालकर आटा मसल लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, आटा काफी मुलायम हो गया है। हमें आटा गूंदने के लिए 3/4 कप से थोड़ा ज्यादा पानी लगा। अब आटे को हम 15 से 20 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। 15 मिनट बाद फिर से आटे को मसल लेंगे। अब पराठे बेलना शुरू करेंगे। पहले तिकोना पराठा बेलेंगे। चपाती के लिए जितना आटा लगता है उतने आटे का गोला मैंने यहाँ लिया है। थोड़ा सूखा आटा लगाकर पूरी के जितना हम इसे बेलेंगे। अब थोड़ा सा तेल ऊपर की तरफ लगाएंगे। यहाँ पर मैं एक टिप देना चाहूंगी, तेल लगाने पर हम थोड़ा सा सूखा आटा भी लगाएंगे, जिससे पराठे की परतें अच्छी तरह से उभर कर आएंगी। अब पूरी को हम इस तरह से आधा फोल्ड करके दबा देंगे और फिर से ऊपर की तरफ थोड़ा तेल लगाकर फिर फोल्ड करेंगे। थोड़ा सूखा आटा लगाकर तिकोने आकार में अब पराठा बेलेंगे। किनारों से और बीच में से समान बेलना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पराठा बेलकर तैयार है और हमने इसे चपाती से थोड़ा मोटा बेला है। पराठे पर लगा एक्स्ट्रा आटा हटाकर हम इसे मध्यम आंच पर ब्राउन चिप्पी आने तक सेकेंगे। आप चाहें तो पराठे सेकने के लिए तेल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किनारों से भी पराठा अच्छी तरह से सेक लेंगे। तिकोना तवा पराठा तैयार है। अब हम गोल आकार का पराठा बनाएंगे। गोल पराठा बनाने के लिए आटे को पूरी के आकार में बेलकर तेल और सूखा आटा लगाएंगे। अब चारों ओर से मोड़ते हुए आटे को बीच में लाकर मिलाएंगे। लोई को बीच में से दबाकर चपटा कर देंगे। आप इस तरह से हाथों से दबाते हुए भी लोई को गोल आकार दे सकते हैं। थोड़ा सूखा आटा चकले पर डालकर अब हम इस लोई से गोल पराठा बनाएंगे। सभी ओर से समान बेलेंगे। पराठा बेल लिया है, अब हम इसे सेकेंगे। दोस्तों, गेहूं के आटे में कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, प्रोटीन, बी विटामिन और फॉस्फोरस अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए ये मैदे के मुकाबले सेहत के लिए बेहतर है। तो आप जरूर ये पौष्टिक तवा पराठे